Hello everyone, this is Admanish Deva. Our today's topic of wireless and mobile communication is cellular telephone system. Last time we have discussed the cordless telephone system and paging system. ठीक है जी, तो आज बात करेंगे हमारा नेक्स्ट वायरलेस सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. तो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं. हमारे पास आजकल के जो इरा है, हम सबके पास एक कोई ना कोई स्मार्टफोन है. ठीक है जी, और जो स्मार्टफोन है दैट इज बेसिकली अ सेलुलर फोन. वो एक सेलुलर फोन का ही एक पार्ट है. और ये सेलुलर फोन जो है, ये जो हम सर्विस अवेल कर रहे हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी की, दैट इज नोन एज सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. राइट, सो वी हैव दैट फोन. जब हम इससे किसी को कॉल कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर पे, तो ये सारा जो सिस्टम है दैट इज ऑल वायरलेस. ठीक है जी, वी कॉल इट अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट कवर्स अ होल वर्ल्ड. ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में हम बैठे, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इस सर्विस के अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हैं दूसरे को. ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. तो ये इसके बेसिक वर्किंग क्या है, इसके पीछे क्या ये कंप्लीट सिस्टम जो है ये वायरलेस है, या इट इज द कंबाइंड वर्जन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस सिस्टम, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं. हम यहाँ पे थ्योरी बात करेंगे. थ्योरी में मतलब ये सेलुलर सिस्टम की थ्योरी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे. तो सबसे पहले है, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन टू द PSTN फॉर एनी यूजर लोकेशन विद इन द रेडियो रेंज ऑफ द सिस्टम. बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो स्टार्टिंग में हमने अभी लास्ट टाइम बात की है PSTN की. PSTN क्या होता है, हमारा पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जो कि लैंडलाइन लिंक को सर्विस प्रोवाइड करता है. लैंडलाइन लिंक मींस ये बेसिकली क्या करता है, घरों में जो टेलीफोन्स लगे होते हैं उन टेलीफोन्स की जो एक्सचेंज होती है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करता है सभी टेलीफोन्स को एक दूसरे से कॉल करने के लिए. इसी PSTN से हमने एक और नेटवर्क अलग कर लिया, दैट इज कॉल्ड द सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. बट ये क्या है, जो PSTN सिस्टम है, जो सारा लैंडलाइन लिंक है, वो सारा वायर्ड, वो सारा लैंडलाइन लिंक जो है वो वायर्ड सिस्टम था. PSTN से ही एक और सिस्टम निकाला गया जिसको नाम दे दिया सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. इसमें क्या किया, इसको कंप्लीट वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया बिटवीन द यूजर्स. ये बेसिकली क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेलुलर सिस्टम का मतलब इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल क्या है, एक छोटा सा ज्योग्राफिक एरिया है जो कि कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, छोटी छोटी कवरेज प्रोवाइड कर रहा है. ऐसे ही आगे सेल है इसके, वो भी कवरेज प्रोवाइड कर रहा है. आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग. सेलुलर सिस्टम अकोमोडेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया विद इन अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. अब बेसिकली क्या है, हमारे पास ये एक एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी लार्ज एरिया. इस लार्ज एरिया के बीच में जितने यूजर्स हैं उन सबको ये सर्विस अवेल करवा रहा है, बट विद द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दैट इज वेरी लिमिटेड. इनके पास जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है दैट इज वेरी लिमिटेड, और उसी फ्रिक्वेंसी से ज्यादा जो कवरेज है ये प्रोवाइड कर रहे हैं. ये कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेल. ये जो सेल यूजेज है इसके अकॉर्डिंगली ये अपनी जो सर्विसेज है ये बहुत ज्यादा लार्ज कवरेज एरिया में भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास इस सेलुलर टेलीफोन के पास वो बहुत लिमिटेड होगी. सो दिस इज अ सेलुलर सिस्टम. राइट, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सर्विस. हमें पता है जो स्मार्टफोन की क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है आजकल. ठीक है, कोई भी हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. इंटरनेट फैसिलिटी हो, चाहे कॉलिंग सर्विसेज हो, चाहे SMS सर्विसेज हो, तो बहुत ही स्मूथली ये सारे फंक्शन आउट कर रही है. सो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी सर्विस दैट इज ऑफन कंपेरेबल टू that of landline telephone system. और इसको अगर telephone system से landline system से अगर compare किया जाए तो it is having a very high quality service. जो interface के बिना कोई आवाज नहीं कट रही होती है, amplify होके आ रही है, और कहीं भी हम roam कर लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारी call की duration हम जितनी मर्जी लंबी कर लें, कोई call में कोई problem नहीं आती until and unless वहाँ पे network ना हो. ठीक है जी, तो हाई कैपेसिटी इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द कवरेज ऑफ ईच बेस स्टेशन ट्रांसमीटर टू अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया व्हिच इज कॉल्ड अ सेल. बेसिकली ये जो हमारी सर्विसेज हैं
ये एक बेसिकली ये है इसका सेलुलर सिस्टम, यू कैन सी हेयर, इसको बना सकते हैं आप। अब इसमें बेसिकली क्या है, दीज आर द सेल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये छोटी छोटी कवरेज करते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये नेक्स्ट सेल है, इसको सेल टू का नाम दे दो, इसको सेल थ्री का नाम दे दो, ये सेल फोर है, ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट जो कवरेज सेक्शन दिख रहे हैं हमें, दीज आर हेक्सागनल सेल्स, राइट। ये बेसिकली क्या है, ये जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये छोटे छोटे ट्रांसमीटर से बना होता है। हम एक बड़ा ट्रांसमीटर नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कवरेज स्पेक्ट्रम होता है, जो कि एक बार यूज हो जाए तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। डिस्टेंस हो कोई थोड़ा सा तो हम रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में डिवाइड किया हुआ है, और इसी फ्रिक्वेंसी को जो हम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम थोड़े डिफरेंस के बाद इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्मॉल या लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को बार बार फ्रिक्वेंसी रीयूज करके हम ये पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कंप्लीट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे ही बिछाया हुआ है इसका नेटवर्क, ठीक है। और ये सारी सर्विसेज कहाँ से अवेल कर रहा है, थ्रू द एमएससी। एमएससी क्या है, दैट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। और जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, ये पीछे से सर्विस कहाँ से ले रहा है, दैट इज फ्रॉम पीएसटीएन। तो दिस इज सेलुलर सिस्टम, दिस इज अ बेसिक सेलुलर सिस्टम, ठीक है। और ये जो स्टेशन है, ये सारे बेस स्टेशन है, बीएस है, और इसमें जो ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, दीज आर नोन एज मोबाइल स्टेशन। और इसके अलावा यहाँ पे जो मोबाइल्स होंगे, वो भी मोबाइल स्टेशन कहते हैं इसको, एमएस, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक सेलुलर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाई कैपेसिटी इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द कवरेज ऑफ ईच बेस स्टेशन ट्रांसमिटेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया, एक छोटा सा ज्योग्राफिक एरिया, जो कि ये सेल बना हुआ है। दिस सेल इज कॉल्ड द दिस इज बेसिकली अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया, जिसके अंदर काफी सारे मोबाइल यूजर्स होंगे, और इसको हम सेल बोलते हैं। और ये हम सेल्स क्यों बनाए हुए हैं हमने, सो दैट द सेम रेडियो चैनल में बी रीयूज बाय अनदर बेस स्टेशन लोकेटेड सम डिस्टेंस अवे, ताकि ये जो छोटा सा बेस स्टेशन है, जो कि ट्रांसमिट कर रहा है, छोटे एरिया में कवरेज दे रहा है, ये दोबारा इसी फ्रिक्वेंसी को हम रीयूज कर सकें थोड़े डिस्टेंस के बाद। इसीलिए इसको सेलुलर टेक्नोलॉजी बोला, ठीक है। इस सोफिस्टिकेटेड स्विचिंग टेक्निक इज कॉल्ड हैंड ऑफ। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा फोन जो है वो इस कवरेज के बाहर भी बात कर सकता है, जरूरी नहीं कि हम इस सेल के अंदर आ रहे हैं तो यहीं पे कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ से जाके हमारी जो गाड़ी है वो किसी भी सेल में एंटर कर सकती है, हमारी कॉल कट नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस है, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंड ऑफ, ठीक है। इसको हम हैंड ऑफ बोलते हैं। हैंड ऑफ क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड स्विचिंग टेक्निक कॉल्ड अ हैंड ऑफ इनेबल्स अ कॉल टू प्रोसीड अनइंटरप्टेड व्हेन द यूजर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये बेसिकली क्या करता है, जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है, तो जैसे ही ये सेल चेंज करता है, तो अपनी कॉल को कट नहीं होने देता है। जो सेलुलर सिस्टम है, इसको इस कॉल को दूसरी बेस स्टेशन को हैंड ओवर कर देता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम हैंड ऑफ बोलते हैं। आगे इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, ये डायग्राम है सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का। अब इसमें लगा क्या क्या होता है, तो दिस सेलुलर सिस्टम हैज हैविंग मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर, राइट। तो ये जो सेलुलर सिस्टम है, ये तीन चीजों से मिलके बना है, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर, दैट इज एमएससी। इसमें से जो हमारे पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, इसको हम एमटीएसओ भी बोलते हैं, ठीक है। वो पीएसटीएन से डिटेल लेता है, अपनी पीएसटीएन से लिंक लेता है, और आगे उसको मोबाइल जो बेस स्टेशन है उसको कवरेज प्रोवाइड करता है। और इसको हम मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी बोलते हैं, एमटीएसओ, सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग ऑल मोबाइल्स टू द पीएसटीएन इन द सेलुलर सिस्टम। बेसिकली क्या करता है ये यहाँ से यू कैन सी, ये सारे के सारे एमएससी के जो मोबाइल्स हैं, मतलब ये जो कवरेज एरिया है, इसके जितने भी मोबाइल है, सारे एमएससी से कनेक्टेड है। एमएससी आगे पीएसटीएन से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ये मोबाइल्स को टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसको मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी बोलते हैं, एमटीएस बोलते हैं। ईच मोबाइल कम्युनिकेशन वाया रेडियो विद वन ऑफ द बेस स्टेशन एंड मे बी हैंडेड ऑफ टू एनी नंबर ऑफ बेस स्टेशन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ कॉल। अब उन्होंने बताया कि एक मोबाइल जो है, अगर वो एक जगह से बात कर रहे हैं, एक स्टेशन से, तो वो कहीं भी घूम सकता है। ये मोबाइल यहाँ पे है, अगर अगर यहाँ से उठ के कहीं और चला जाए,
तो ये जो है ये ट्रांसमिट करता रहेगा उस रेडियो सिग्नल को दूसरे बेस स्टेशन में, और ये सारा काम एमएससी का होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनइंटरप्टेड कॉल को अवेल कराने के लिए होता है कि कहीं भी कॉल कट ना जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मोबाइल स्टेशन क्या होता है इसमें। मोबाइल स्टेशन कंटेन्स ट्रांस रिसीवर। अब मोबाइल स्टेशन क्या है, हमारा जो हैंड हेल्ड यूनिट है, जो हमारे हाथों में है स्मार्टफोन, दिस इज कॉल्ड द मोबाइल स्टेशन। इसमें क्या क्या लगा होता है, एक तो ट्रांस रिसीवर लगा होता है जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों का काम करता है। एक एंटीना लगा होता है जो कि फुल डुप्लेक्स एंटीना होता है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। एक कंट्रोल सर्किटरी लगी होती है जो कि सारी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और सारा कुछ कंट्रोल करता है हमारे मोबाइल में, जो कि हम जो भी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं मोबाइल फोन में, वो सारा कंट्रोल सर्किटरी का काम है। और ये जो मोबाइल स्टेशन है, इट कैन बी माउंटेड इन अ व्हीकल, ये व्हीकल के बीच में भी लगा हो सकता है, और ये हमारे हाथों में जो पोर्टेबल हैंड हेल्ड यूनिट है, ये भी मोबाइल स्टेशन, इसको हम यूई भी बोलते हैं, यूजर इक्विपमेंट, ठीक है जी। आगे बेस स्टेशन क्या होता है, बेस स्टेशन एक ट्रांसमिटिंग टावर है जिसमें काफी सारे ट्रांसमिटिंग एंटीनास लगे होते हैं। ये ट्रांसमिटिंग एंटीनास क्या करते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स विच साइमल्टेनियसली हैंडल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड जनरली हैव टावर्स विच सपोर्ट सेवरल ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ये बेसिकली एक टावर है जो कि एक कवरेज प्रोवाइड कर रहा है टू मोर देन वन यूजर्स, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सेल मोबाइल यूजर्स आएंगे, मोबाइल स्टेशन आएंगे, वो यहाँ से सर्विस अवेल कर रहे हो, ठीक है, इन ट्रांसमीटर रिसीवर एंड। तो दिस इज कॉल्ड बेस स्टेशन। द बेस स्टेशन सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑल मोबाइल यूजर इन अ सेल एंड कनेक्ट्स द साइमल्टेनियसली मोबाइल कॉल वाया टेलीफोन लाइन और माइक्रोवेव लिंक्स टू एमएससी। अब बेसिकली क्या है, जो ये बेस स्टेशन है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू वायर्ड लाइंस, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से वायरलेस सिग्नल नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये वायर्ड सिग्नल को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। एमएससी से भी जो सिग्नल बेस स्टेशन को मिल रहा है वो सारा वायर्ड है थ्रू माइक्रोवेव लिंक और टेलीफोन लाइंस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो सर्विस है, जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है, ये सिर्फ मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन के बीच में वायरलेस है, अदरवाइज ये बाकी जो है ये सारा वायर्ड सिग्नल है, वायर्ड सिस्टम है, ठीक है। आगे है एमएससी। एमएससी का काम क्या है, जितने भी बेस स्टेशन है ये सारे आगे एमएससी से कनेक्टेड है, ठीक है जी। एमएससी क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द बेस स्टेशन एंड कनेक्ट द एंटायर सिस्टम टू द पीएसटीएन। ये सारे बेस स्टेशंस को सभी एक पॉइंट पे आके मिलाती है और सारे बेस स्टेशन को पीएसटीएन के साथ जोड़ती है, मतलब सारे बेस स्टेशन को अंडर सिस्टम ले आती है, ठीक है। टिपिकल एमएससी कैन हैंडल 1 लाख सेलुलर सब्सक्राइबर, ये 1 लाख तक सब्सक्राइबर को हैंडल कर सकती है। आजकल की एमएससी 2 लाख 3 लाख भी कर सकती है, एंड एट ए टाइम 5,000 साइमल्टेनियसली कन्वर्जेशन एट अ टाइम ये हैंडल कर सकती है, मतलब एक टाइम पे ये 5,000 चैनल जो है ये अकोमोडेट कर सकती है, ठीक है। और बिलिंग सिस्टम, सारी मेंटेनेंस फंक्शन, ये सारा काम एमएससी का होता है। अब इनके बीच में जो इंटरफेस है, एयर इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं कि ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वर्क करती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉमन एयर इंटरफेस, ठीक है। जो ये मोबाइल सर्विसेज सेलुलर टेलीफोन सिस्टम जो है ये अवेल करती है, कॉमन एयर इंटरफेस होता है। ये चार तरह के सिग्नल्स होते हैं, चार डिफरेंट चैनल्स होते हैं। वन इज फॉरवर्ड वॉइस चैनल, विच इज बेसिकली ये चैनल यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन। ये फॉरवर्ड जहां पे आ गया वर्ड, ये बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन की तरफ होगा, और वॉइस चैनल का मतलब ये वॉइस ट्रांसमिशन करेगा फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन। उसके अलावा है रिवर्स वॉइस चैनल, ये भी वॉइस चैनल है और ये वॉइस ट्रांसमिशन करेगा फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन, मतलब हमारे मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ सिग्नल जो पहुंचा रहा है, दैट इज आरवीसी। उसके अलावा दो और चैनल्स हैं, दैट इज कंट्रोल चैनल, एक है फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल जिसको एफसीसी बोलते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन। एंड द लास्ट वन इज रिवर्स कंट्रोल चैनल विच सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन, ठीक है जी। कंट्रोल चैनल आर आल्सो नोन एज सेटअप चैनल, इसको हम सेटअप चैनल भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर ओनली इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ कॉल एंड मूविंग इट टू एन अनयूज्ड वॉइस चैनल। ये बेसिकली कॉल को सेटअप करने के काम आता है, जब भी हम कॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बीच में जो सेटअप चैनल, हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही है उस टाइम पे, वो सेटअप चैनल के थ्रू हो रही है, कंट्रोल चैनल के थ्रू, ठीक
है. सो दिस इज बेसिकली अ सेटअप है ना. द कंट्रोल चैनल ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा मैसेज दैट कैरी कॉल इनिशिएशन एंड सर्विस रिक्वेस्ट एंड मॉनिटर बाय मोबाइल्स व्हेन दे डू नॉट हैव कॉल इन प्रोग्रेस. अब कंट्रोल चैनल तभी काम करते हैं जब तक कोई वॉइस कॉल शुरू ना हो जाए. उससे पहले जो भी आपस में हम किसी को कॉल करते हैं, जो हमें बीप सुनती है या जो रिंगटोन सुनती है, वो सारे कंट्रोल चैनल्स की वजह से सुनती है. ठीक है, कॉल इनिशिएशन के काम आता है, सर्विस रिक्वेस्ट के काम आता है, एंड ये मोबाइल जो है ये लगातार उसको मॉनिटर करता रहता है, उस सिग्नल्स को, कंट्रोल चैनल्स को. ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें जो मिल रही है वो कंट्रोल चैनल से मिल रही है. तो दिस वॉज सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. बेसिकली ये एक सेल शेप्ड सिस्टम है. ठीक है, जो कि छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया है ताकि बार बार हम लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को यूज कर सकें, और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने कवर किया हुआ है इस सिस्टम को. ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं मोबाइल यूजर्स की बात करूं तो जितनी पॉपुलेशन है उससे दुगने मोबाइल यूजर्स जो है वो एक्टिव हैं. हर किसी के पास दो दो मोबाइल फोन्स बाय एवरेज लेके चल रहे हैं. तो इतनी सर्विसेज को अवेल करना एक सेलुलर टेलीफोन सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाया है, और ये इसी के बेस से बना है. ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ पूछना है तो ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.